डॉक्टर माया। क्या हुआ मिस्टर सिंह, आपको फिर से अटैक तो नहीं आया है? बच्चा कहाँ है, खो गया? ये सब आपको कैसे मालूम? आप लोगों को बच्चे को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने देना चाहिए। आप डॉक्टर हैं? यू आर डेस्मंड? आप डेस्मंड हैं? डेस्मंड नाम है? लो डेस्मंड कहाँ है? डेस्मंड, डेस्मंड। हाँ बोलिए, मैं हूँ डेस्मंड। इनसे खुश है वो, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आप सब लोग उसको डांटते रहते हैं, नाराज हैं। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप उसको डांटेंगे और आप उसको अलग से रूम देंगे। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, आपने दवाई खाई? आपको पता है कि जय कहाँ है? मेरे पास है। वो आना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती लाया। He wanted to stay with me. वो है कहाँ इस वक्त? गाड़ी की डिक्की में। डिक्की में? Yes. सुनिए मिस्टर, Yes. आप जरा मेरे साथ आइए। हाँ। चलिए बताता हूँ। चलिए चलिए। Stop. और वो मेरे साथ ही रहना चाहता था। रूम छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं उसको इस तरह से करके लाया। खोलिए। और वैसे मुझको बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन अपना रूम शेयर करना थोड़ा दिक्कत। आप डिक्की खोलिए, चलिए। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, जय कहाँ है? नहीं है उधर। नाउ इट्स अ पुलिस केस मिस्टर सिंह। चला कि वो लड़का भागा हुआ है तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? मेरे घर में टेलीफोन नहीं है, मैं टेलीफोन पर बात करने में विश्वास नहीं करता। बच्चों को बांधने में विश्वास रखते हैं आप? नहीं रखता। डैडी, मुझे तो यही मिस्टर किडनैपर लगते हैं। मैडम आप बार बार मुझे इस तरह से मत कहिए, मत कहिए। प्लीज आप सब लोग चुप हो जाइए। ही इज नॉट वेल, लीव हिम अलोन। पर माया, इसने जय का क्या किया? ये तो इन्हें भी नहीं पता। इनफ ईश्वर, इट्स नो लॉन्गर अ पुलिस केस। या आई नो, इट्स अ साइकिक केस नाउ। यू आर अ पुलिस मैन, रियल पुलिस मैन। रिलैक्स मिस्टर सिंह, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप मेरा विश्वास कीजिए माया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसको डिक्की में नहीं बांधता। मैं जानती हूँ, क्योंकि वो वापस नहीं आता। नहीं आता। साहब, बाबा ने कुछ खाया? एक राइस प्लेट खाई थी, एक थम्स अप पी थी। वो कैसे निकल गया, कहाँ निकल गया, मुझे नहीं मालूम। बाय गॉड। देखिए मिस्टर सिंह, आप रिलैक्स कीजिए और आराम से अपने घर चले जाइए। जय जरूर वापस आ जाएगा। नहीं, मैं उसको अपने कमरे में रख सकता था, लेकिन मैं जानती हूँ जय भी ऐसा ही है। उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए। लीजिए। हेलो, मिसेस मल्होत्रा? यस। आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं सुंदरी बोल रही हूँ, मिसेस राज मल्होत्रा की क्लाइंट। जस्ट अ मोमेंट। राज, तुम्हारा फोन। Thank you.
हेलो हेलो राज, मैं सुंदरी बोल रही हूँ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपका बेटा मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा, ऐसा पुलिस कहती है। राज, आपकी फैमिली इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अगर मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकूं, किसी भी तरह की मदद कर सकूं, तो प्लीज प्लीज मुझे फोन करना। ओके, ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट सुंदरी, बाय। मेरी क्लाइंट का फोन था, जय के बारे में पूछ रही थी। हाउ काइंड ऑफ हर। सुनो राज, एक फेवर कर दो, मिस्टर सिंह को प्लीज आप घर छोड़ाओ, इस हालत में वो अकेले घर नहीं जा सकती। अरे तू किधर जा? उधर दीवार से। क्यों? सोने। ये पार्क नहीं है, स्कूल है, समझे? चल फुट यहां से, वरना मेरी नौकरी जाएगी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास का वक्त हो रहा है, ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये बेंच यहाँ क्यों पड़ी है? चलो बच्चा लोग अपने अपने क्लास में जाओ। और ये लड़का कौन है? पता नहीं मैडम, यहाँ सो रहा था। तुम दोनों इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। जी मैडम। पांडे। जी मैडम। ये लड़का कंपाउंड में कैसे आया? उधर दीवार से। I jumped the wall at night, ma'am. इसमें वॉचमैन की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है ये मैं कहूंगी, तुम नहीं। सॉरी मैम। पांडे तुम जाओ। जी मैडम। नॉट यू, यू स्टे हियर। पांडे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जी मैडम, अभी लेकर। अब तुम इधर बैठो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दीवार कूद के यहां क्यों आए और तुम कहां रहते हो? टेल मी ट्रूथफुली, कम ऑन, टेल मी नाउ। देखो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, झूठ बोला तो पनिशमेंट मिलेगी। मैम मैं वो चलो पहले खा लो। मम्मी ने कहा था कि ब्रश करने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसे दांत सड़ जाते हैं। ऐसे रोना तो नहीं चाहिए ना, है ना? ऐसे तो स्मॉल बेबीज रोते हैं। एंड यू आर अ बिग बॉय, तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए। मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी? नो, मैं मम्मी को नहीं दिखाऊंगा। मैं मम्मी से मिलूंगा भी नहीं। मैं यहाँ से जाके सड़क पे सो जाऊंगा, लेकिन मैं मम्मी के साथ घर नहीं जाऊंगा। तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होगी? नो नो, दे डोंट लव मी। मैं उनके साथ भी नहीं रहूंगा और ना ही तो मैं साइको अंकल के साथ रहूंगा। तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते?
I know, ma'am. मुझे पता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा करते तो आप भी उन्हें छोड़ के चली जाती अच्छा अच्छा तो ऐसा क्या किया है तुम्हारे पेरेंट्स ने हेलो हेलो हाँ मैं बोल रही हूँ हाँ जी राज राज माया हाँ नॉट ठीक है हाँ हाँ राज ठीक है बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट मैं बच्चे की माँ हूँ इफ आई लुक इवन स्लाइटली स्लॉपी उसको बैड इंप्रेशन हो जाएगा शी विल थिंक आई एम अ केयरलेस मदर इतने सालों बाद किसी प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ थोड़ा सा नर्वस हूँ अच्छा सुनो हाँ तुमको लगता है कि जय ने वो सब यहाँ भी बताया होगा क्या बताया होगा अरे वही जो तुम्हारे उस पेशेंट को बताया कि हम उसको प्यार नहीं करते अलग कमरा वगैरह अगर जय ऐसा फील करता है तो बोलेगा अब बातों से मत डरो एंड जस्ट फेस इट वो सो रहा है रात भर बाहर बेंच पर पड़ा हुआ था बेंच पर अब मैम हम लोग जय के पेरेंट्स हैं जय की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है हम उसके लिए बहुत ही माफी चाहते हैं नहीं नहीं तकलीफ मुझे नहीं बल्कि आपको और आपके बेटे को हुई होगी आई एम सॉरी कि इतना सेंसिटिव बच्चा इस तरह की तकलीफ से गुजरा है देखिए मैम मैं जानती हूँ जय एक सेंसिटिव बच्चा है यू सी आई एम अ साइकोएनालिस्ट इसमें गलती कुछ हमारी है कुछ हालात की है और कुछ शायद जय की भी है देखिए मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ जज नहीं नहीं माया अपनी बात ठीक से कह नहीं पाई बात यह है मैम कि हम लोग जय को लेकर बहुत परेशान हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा सच हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जय के साथ क्या किया जाए देखिए अगर आपको उसके एडमिशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर इन द स्कूल दैट्स मैं उसके हिस्ट्री को अच्छी तरह जानती हूँ एंड आई स्टिल से आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर हम किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करें मैम मम्मी यही तो आपको करना चाहिए प्यार यस मैम तुम्हें क्या लगता है जय वापस आएगा वापस तो आ जाएगा पर फिर कब भागेगा कह नहीं सकते फिर से क्यों भागेगा अगर तुम उसको डांटोगे ना तो फिर भागेगा इसी का तो चाइल्ड साइको साइकोलॉजी अब बहुत हो गया बस चलो अरे पापा आ गया ए पापा आ जा गंदा हो गया चलो नहा ले जल्दी नहीं नहीं पहले केक खाएगा काश हम ये रिसेप्शन इसे पहले दे देते तो इस सब की नौबत ही नहीं आती तुम ये अपने आप से कह रहे हो या मुझसे किसी से नहीं कह रहा बाबा मैं तो हवा में बातें कर रहा हूं मुझे हवा में शब्द उछालना बहुत अच्छा लगता है राज तुम हमेशा झगड़े के मूड में क्यों होते हो राज आर यू स्लीपिंग ऑलराइट या माया आई एम स्लीपिंग वेरी वेल थैंक यू
हेलो सुंदरी। या हु इज दैट? मैं राज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं जग रही थी। जय की आवाज सुनी? हाँ, जय मिल गया। ओह रियली, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यू नो आई वाज वेरी वरीड। कहाँ मिला? स्कूल में। और खुशी की बात ये है कि उसे उसी स्कूल में एडमिशन भी मिल गया है। ओह वंडरफुल, तुम्हें तो अब पार्टी थ्रो करनी चाहिए। हाँ, जब तुम चाहो, व्हेनेवर। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। पर मैं सीरियस हूँ। रियली सुंदरी, यू हैव बीन रियली वेरी वेरी केयरिंग। ओह कम ऑन राज, यू आर एम्बैरेसिंग मी। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। राज, ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है। आई एम श्योर योर वाइफ आल्सो हैज बीन एक्सट्रीमली केयरिंग। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक्स अगेन। बाय संजय। बाय बाय। ओके। लेकिन तू वही पुरानी यूनिफॉर्म में, तुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। मैं थोड़ी ना किसी को दिखाई दूंगा। मैं तो सिर्फ तुझे वार्न करने आया हूँ कि स्कूल में लड़कियाँ भी हैं। यहाँ तो बहुत सारे लड़के निकाले जाते होंगे। थैंक्स, पहला दिन स्कूल का शुरू नहीं हुआ और तूने मुझे निकालने की सोच ली। आई एम जस्ट सेइंग बी केयरफुल। तुझे पता है यहाँ की प्रिंसिपल इतनी अच्छी है, उन्होंने ही मुझे एडमिशन दिया। तूने उनको थैंक्स कहा? क्यों, तेरा क्या जाता है? वही बोलने जा रहा हूँ। मैं कम इन? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलो क्या चाहिए? मैम, मैं आपसे ये पूछने आया था कि मैं कौन से सेक्शन में हूँ। ओह, क्लास 5B, रेड हाउस। थैंक यू मैम। इट्स ओके, अब तुम अपनी क्लास में जाओ। मैम आई वांट टू थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, अब जाओ। मैम, अ थाउजेंड टाइम्स थैंक्स। It's all right. Ma'am, 100,000 claps for you, ma'am. ये क्लासरूम है, कोई फर्नीचर की दुकान नहीं। I'm a new boy. Oh, new boy हो? अरे भाई, new boy हो तो new chair पे जाके बैठो ना। नहीं, पुरानी भी चलेगी। अरे नहीं यार, new boys को new chair पे ही बैठना चाहिए। क्यों निखिल? हाँ हाँ, हमारा नया दोस्त है, इसे तो नई चेयर पे बैठना ही चाहिए। यहाँ बैठ, यह न्यू बॉय की जगह है। थैंक्स। अरे बैठना, फील कंफर्टेबल।
अरे यार बैठना यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.